अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेव लाइफ थैलेसीमिया चिल्ड्रन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब एबटाबाद में आज एक शानदार और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों और उनकी फैमिलियों ने शिरकत की, जिनको 10 लाख रुपये मालियत की अदवियात जो दी गई, जिसकी मेहमान खसूसी राबे आबासी असिस्टेंट कमिश्नर और सेव लाइफ थैलेसीमिया चिल्ड्रन पाकिस्तान की चेयरमैन ज़ैनब तारक खान और काफ़ी तादाद में जो थैलेसीमिया से मुतासर एबटाबाद मानसेरा हरिपुर के बच्चों ने शिरकत की, जिनको ये अद्वियात और पंप जो हैं उनको दिए गए। इस तकरीब में स्पेशल तौर मैडम ये बहुत कठिन मामला होते हैं। यहाँ मुतअद्दिद मरतबा डिप्टी कमिश्नर मरद साहब को मैंने कहा कि आप थैलेसीमिया के हवाले से एबटाबाद हजारा को जीरो थैलेसीमिया करें, इसके लिए आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। बहरहाल उनकी तरफ से मजीद को रिस्पॉन्स नहीं रहा। हम ये आपकी तवज्जो से तवक्को करते हैं कि आप इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए हमें मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इसको मजीद आगे खत्म करने के लिए कोई इकदाम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हम एक अवेयरनेस करें स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, बच्चों के सीबीसी टेस्ट करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करें, जो माइनर हो हमको उनको पहले से अलर्ट कर दें कि भाई आप शादी करते वक्त ख्याल रखें, क्योंकि शादी में जिस वक्त ऐसे वालात होते हैं तो ये जैसे मासूम बच्चे जो हैं वो दुनिया में आ जाती है, जिनकी आयरन जनरेशन की अद्वियात इतनी महंगी है कि एक लैंडलॉर्ड आदमी भी उसको परचेज नहीं कर सकते। एक बच्चा अगर 2 टेबलेट खाता है तो 20,000 रुपया उसका सिर्फ वो टेबलेट का है, अगर उसको इंजेक्शन लगते हैं तो 6,000-12,000 रुपये उसका इंजेक्शन का है, 30,000 रुपये इस बच्चे पे चला जाता है इस तरीके से नॉर्मली, और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा मसाइल बनते हैं। इसको खत्म आपने बहुत ही प्यारी तकलीफ थी। हाजी आमिर शहजाद साहब ने भी इसमें इजहार प्यार करते हुए इस बात पर रोशनी डाली कि कितनी एक सख्त जिंदगी है, कितने मसाइल हैं, इन मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए आगाही की ज़रूरत है ताकि देही इलाकों में और सरकारी सतह पर ये काम होगा तो तब जाकर ये जो मर्ज़ है इसका खात्मा हो सकेगा। इसके साथ साथ दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी इसमें बड़े अच्छे अंदाज से, इकबाल सागर साहब जो है उन्होंने बड़ी अच्छी, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से अप्रिशिएट किया और इस हवाले से बताया कि ये कितनी एक मर्ज़ जो है ये कितनी ख़तरनाक मर्ज़ है ये, क्योंकि जिस घर में है ये उन्हीं को पता है, बाकी लोग जो हैं वो तो इसको इतना महसूस नहीं कर सकते, वो इतना कहते हैं कि चलो जी अल्लाह खैर करेगा। ज़ाहिर अल्लाह पाक खैर तो करते हैं, सिर्फ अल्लाह पाक ने इंसान को भी सलाहियत दी है कि दो जिस वक्त थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करेंगे तो उनके ज़्यादा चांसेस थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होने के होते हैं, जिस वक्त वो अपने माले से रब्ते में नहीं रहते हैं उनके साथ ये मसाइल पैदा होते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो सारी सख्त होती है। बड़े बड़े नामी ग्रामी एंकरों ने कहा आइए जानते हैं उनकी ज़बानी उनका क्या कहना है। ज़मीने कुन से चौंकाता है ज़मीनों ज़मन, उसी के दस्ते कदम से जहां में बढ़ता है तमाम सुबह का सोना तमाम रात का धन। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई नो यू नो मी वेरी वेल, मेरा नाम ज़ैनब तारिक है और एज़ पर द ऑनसेट दैट आई एम चेयरमैन ऑफ थैलेसी मैसेंजर एबटाबाद इन कराची एज़ वेल। सो 5 साल की 7 साल की उम्र में मैं गई थी शाह रमजान के प्रोग्राम में बाल अंकल, और उधर जुनेद अंकल ने मुझसे कहा पैसे मांगो, मैंने कहा नहीं उनको खून चाहिए, फिर वसनी बताके ने मुझे कहा बेटा पैसे मांगो, मैंने कहा नहीं मुझे खून चाहिए, और खून किसके लिए चाहिए, अपने लिए थोड़ी नहीं, इन सब के लिए जिधर आज बैठे हुए हैं, इन सब के लिए, इन सब के लिए, सिर्फ इन सब के लिए हम उठे हैं। मैं मेरा पाप ये है कि ये सब बच्चे जो आज इधर बैठे हुए हैं ये कल इधर बैठ के अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए आवाज़ उठाएं।
आबासी ने क्या कहा इस तकरीब के हवाले से, थैलेसीमिया के हवाले से, और आगे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को ज़ीरो थैलेसीमिया करने के हवाले से उन्होंने क्या कहा, देखते हैं कि वो इस पर किस हद तक अमल करती हैं। आइए जानते हैं। मैं राबिया सजाद आबासी, एडिशनल भाई ने बड़ी अच्छी बात की, आई एम अ ग्रेट इकबाल फैन। भाई ने कहा कि दाद के लिए पैदा किया इंसान को, वरना दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना दाद के लिए काम ना थे करो बयां। तो अगर हम इबादत को समझने की कोशिश करें, इबादत का मफहूम हम समझने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में इबादत जो है वो खिदमत इंसानी ही है, और इबादत यही लोग कर रहे हैं कि जो मुझसे पहले बात करती थी। अच्छा, एक और चीज़ जो फैज ने कही कि मखलूक के खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत होती, तो मैं तारिक भाई की उनकी प्यारी सी बच्ची की इनकी काविशों को बहुत सराहती हूँ। मेरे ख्याल में आप लोग जो हैं वो वजह हैं कि जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, आप लोग रीज़न है हमारे सर्वाइवल का। आप और आप जैसे बहुत सारे खूबसूरत लोग सिंध की धरती को और कराची की धरती को तो हम लोग जानते हैं, इनको फिलेंथ्रोपिस्ट की लैंड ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है कराची को। हम लोग अपनी स्टडी टूर्स वगैरह में भी गए, वहाँ पे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं आपकी तरह, और हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आप लोगों से। और ज़ैनब तो आपको पता है कि ज़ैनब नाम ही वारियर का है, हुसैन की हसन की नसल को जिसने आगे रिप्रेजेंट किया वो खातून की, तो मेरे अपने नाम का भी बहुत असर होता है। और ज़ैनब जो है उनका जज्बा जो है ना वो बहुत ही काबिल सताइश है, बहुत ही काबिल तारीफ है। ये रोल मॉडल है हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए। मैं ये कहती हूँ कि आपका अमल आपको बड़ा बनाता है, आपका ओहदा या आपका नाम या आपका पैसा शोहरत आपको बड़ा नहीं बनाती। तो मेरे ख्याल में हम लोग में से सबसे बड़ी ज़ैनब है अगर उनकी स्टेचर की बात की जाए। तो वेरी वेलकम ज़ैनब एंड थैंक यू सो मच। वैसे ये जितनी खूबसूरत दिल से हैं वैसे खूबसूरत खुद भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। अच्छा हारून भाई, आपकी काविशें मैं तो नहीं जानती थी क्योंकि मेरी तो रिसेंट पोस्टिंग हुई है यहाँ पर, लेकिन आपकी बहुत बहुत काबिल तारीफ है। मेरे दिल में आपकी इज्जत के लिए गुना बढ़ गई। आप लोगों को बड़े गिले भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सही भी होंगे किसी हद तक। मैं थोड़ा ये डिपेंड करते हुए कह सकती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है कि पाकिस्तान का सिस्टम इस किस्म का है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप अंदर से जा के देखें, मतलब अगर मेरी कुर्सी पे भी आप 10 दिन बैठ के देखें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम इतने मुख्तलिफ किस्म के, मैरिड किस्म के, इतने डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स में उलझे होते हैं कि बाद में हम चाह के भी नहीं कर पाते। तो जो आपको गिले हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं दूर कर सकूं किसी हद तक, अल्लाह आप मुझे तौफीक अता करें। मेरा वैसे भी मेरी जो डेजिग्नेशन है ये ह्यूमन राइट्स के साथ एफिलिएटेड है, और मेरी जो स्टेशन में यही चीज़ है कि मैं ह्यूमन राइट के हवाले से जितना हो सके, और मैं मुझे पर्सनली शौक भी है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शाना बशाना चलूँगी। Save Life Thalassemia Children Pakistan Medicine and Pump Distribution Ceremony 27th October 2022 इसके बाद वरीशा बीबी से रिक्वेस्ट है कि वो भी आ जाएं। वरीशा बीबी बच्चे आप आ जाएं। वरीशा दूसरा कौन है? वरीशा का कौन है भाई साहब? अच्छा कोमैन, कोमैन अली, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो उसके लिए माज़रत। कोमैन अली, कोमैन अली कौन है? कोमैन ये मानसेरा से ही है, ठीक है आपके ये रोल लगा है मरवा बीबी। अब कौन है आगे? मरवा बीबी हैं, उसके बाद फिजा बीबी हैं। मरवा आ जाएं आप। अच्छा अच्छा
हेलो जी हेलो अच्छा फिजा भी भी आ जल्दी से फिजा आई बच्चे बच्चे अच्छा आ जाओ बेटा आप आगे आ जाओ अजय नेक्स्ट आगे फिजा फिजा बीवी के वाले हमारे पास मौजूद हैं हरुण भाई आप बीवी अच्छा बीवी आ चुकी है अच्छा अच्छा आप बच्ची के घर अच्छा चल ठीक है ईसा खान कहाँ है समन बीवी के घर समन बीवी के साथ अच्छा आई बच्ची ठीक है थोड़ा सा वेट करें मुजम्मर शाह बच्चा बच्चा आपको देते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला आप अब्दुल्ला के साथ अब्दुल्ला आ जाओ मुजम्मिल शाह को ही मुजम्मिल शाह 9000 पंप है आपके पास इसके साथ कौन है अब्दुल्ला पंप है तो सब को10,000 आपको क्या मसला है देखिए मैडम भी खड़ी है पंप नहीं है आपके पास नहीं पंप दे दो जी इसको पंप इस पंप को लगाना है ये नहीं है कि ये और आप ये रिटर्न करेंगे और ये पंप अगर बच्ची नहीं लगाती तो इस पंप को आप रिटर्न करेंगे ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी तहसील के बच्चों की प्रॉपर्टी है वो कश्मीर में है या जिस जगह भी है इसको जाकर रजिस्टर नहीं करना किसी के पास नहीं मैडम मैं आपसे एंट्री लूंगा सरदार साहब सर हम बेशक डिग्री होल्डर नहीं है लेकिन अभी इनके साथ रह रहे थे हमें पेरेंट्स को और हमें ज़्यादा डॉक्टरों की तरफ है अब ये 10,000 रुपये इनको चाहिए कि ये डेस्कॉल यूज कराएं तो बेटा आप नहीं बेटा और आप थोड़ा सा खैर है कोई तकलीफ नहीं होती ये तो यहाँ चलता हुआ जाए मैं बताता हूँ लेकिन ये जल्दी सर रिवर्स करता है इसका एरन एकदम नीचे ले आए ये ले आए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जाओ बेटा वो करते हैं ले जाओ इसे ठीक है भैया और कोई है जी वालदेन कौन है विक्ट्री बनाओ सारे ऐसे ऐसे करो सर सब ऐसे करो सब ऐसे करो ऐसे मोहम्मद अब्दुल्ला ठीक है जी हो गई बड़ी मेहरबानी ये बच्चे इधर ही बैठे हैं आपको